सबों का हार्दिक स्वागत। इस आराधना में प्रभु आप सभी को आशीष दे और उसका अनुग्रह पूर्ण हाथ आप सबों पर बना रहे हमेशा हमेशा के लिए। मेरे भाई मेरी बहन, आइए हम परमेश्वर के पुत्र यीशु की आराधना करें। सचमुच उसके साथ रहना कितना अच्छा है, उसकी उपस्थिति में आना कितना अच्छा है। वचन में स्तोत्रकार कहते हैं, तेरा दाएं भाग कितना रमणीय है, तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। यानी परिपूर्ण आनंद की प्राप्ति प्रभु के साथ रहकर ही है। अगर आपको परिपूर्ण आनंद चाहिए, आनंदमय जिंदगी चाहिए, तो प्रभु के साथ रहना सीखिए। क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तेरे साथ रहकर, तुझसे अलग रहकर नहीं, बल्कि तेरे साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। तो हमें प्रभु के साथ रहना सीखना चाहिए हर परिस्थिति में। अक्सर लोग निराश इसलिए हैं क्योंकि वे प्रभु के साथ नहीं है। वचन में स्तोत्र में पढ़ेंगे अध्याय 25 में, शायद वहां पर वचन में लिखा हुआ है, निराश वे ही होते हैं जो प्रभु को अकारण ही त्याग देते हैं। वे लोग निराश रहते हैं जो प्रभु को अकारण ही छोड़कर चले जाते हैं, त्याग देते हैं, कोई कारण नहीं है। और आप दुनिया में ढूंढेंगे, आप ढूंढते रह जाएंगे, लेकिन प्रभु को छोड़ने का आपको कोई भी कारण नहीं मिलेगा, क्योंकि वो अच्छाइयों का स्रोत है। हम मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते शायद हम कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं। कभी कभी हमारे मन में ऐसे ख्याल भी आते हैं कि प्रभु बहुत बुरे हैं, वो अच्छे नहीं हैं। भुनभुनाते हम, इसराइली लोग भी भुनभुनाते थे प्रभु के विरुद्ध। लेकिन हमें ये स्वीकार करना होगा कि सभी अच्छाइयों का स्रोत परमेश्वर स्वयं ही है, और इसीलिए हमें उसे त्यागना नहीं चाहिए। वचन में लिखा हुआ है, यदि आप पढ़ेंगे प्रवक्ता ग्रंथ उसके अध्याय 2 में, वहां पर वचन में लिखा हुआ है कि ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। ईश्वर से लिपटे रहो, उसे मत त्यागो, जिससे अंत में तुम्हारा कल्याण हो। तो हमें ईश्वर से लिपटे रहना है। एक बच्चा जैसे माँ के आंचल से लिपटा रहता है। क्यों? क्योंकि उसे वहां प्रेम मिलता है, उसे वहां सुरक्षा मिलती है, उसे वहां स्नेह मिलता है। उसे पता है कि माँ के आंचल के तले कितना सुकून है, बेफिक्र है वो वहां पर। ठीक इसी तरह वचन में लिखा हुआ है कि हम प्रभु से लिपटे रहें। लिपटे रहने का मतलब कुछ एक अंग पकड़ लेना नहीं या उंगली पकड़ लेना नहीं, लिपटना मतलब होता है कसके पकड़ लेना। इसको कहते हैं लिपटना, है ना, कसके पकड़ लेना, यानी कसके पकड़ के रखना प्रभु को, प्रभु का दामन छोड़ना नहीं। इसीलिए किसी ने एक सुंदर गीत गाया कि यीशु से दूर रहकर खुशियां कहाँ मिलेंगी, जाओगे दूर जितना तुम्हें दूरियां मिलेंगी। उड़ाव पुत्र को ही ले लीजिए। उड़ाव पुत्र ने सोचा कि पिता से दूर रहेंगे तो मजे करेंगे, आनंद ही आनंद होगा, अपनी मनमर्जी से जिएंगे, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई कहने वाला, ना कोई डांट डपटने वाला, खुल के जिएंगे, मजे करेंगे, आनंद मिलेगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि जो आनंद उसे इस समय प्राप्त हो रहा है वो पिता के सानिध्य में है, ना कि पैसे में है। वो आनंद पिता के सानिध्य में था, पैसे में नहीं था। अगर पैसे में आनंद होता तो उड़ाऊ पुत्र की वो हालत नहीं होती। अगर पैसे में आनंद होता तो जकयूस पश्चाताप नहीं करता। तो हमें आनंद प्रभु में ढूंढना चाहिए। प्रभु के साथ रहकर ही परिपूर्ण आनंद प्राप्त होता है। प्रभु के साथ रहकर परिपूर्ण आनंद प्राप्त हो। चलिए प्रार्थना करें। अपनी आंखें बंद रखें
और इस समय मेरे साथ प्रार्थना में जाएं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, एक और बार हमें सुंदर मौका देने के लिए, आपके सानिध्य में ले आने के लिए। आप इब्राहिम, इजहाक और याकूब के जीवित परमेश्वर हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति, महिमा, आराधना करते इस सुंदर पलों के लिए जो तू हमें इस समय इनायत कर रहा है। हम तेरे सानिध्य में आनंद पाते, हम तेरे सानिध्य में खुश हैं, हम तेरे सानिध्य में सुरक्षा पाते, हम तेरे सानिध्य में आराम और सुकून पाते, हम तेरे सानिध्य में चलना चाहते, हम तेरे सानिध्य में रहना चाहते। जिस तरह से दाऊद स्तोत्र में कहते हैं, अपने सानिध्य से मुझे दूर ना कर, अपने पवित्र आत्मा से मुझे वंचित ना कर, ये मेरी और आज के दिन में उन सबों की प्रार्थना है प्रभु, जो हमारे साथ इस आराधना में जुड़ रहे हैं। तेरे सानिध्य से हमें दूर ना कर, तेरे पवित्र आत्मा से हमें वंचित ना कर। वी अडोर यू लॉर्ड, वी थैंक यू एंड प्रेज यू। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पवित्र आत्मा। तेरी आराधना, वो हर बंधन को तोड़ना प्रभु जो हमारे और आपके बीच में बाधा है, वो हर बात को निकालना प्रभु जो हमारे और आपके बीच में बाधा है, वो हर वस्तु को निकालना प्रभु जो हमारे और आपके बीच में बाधा है। प्रभु शैतान के हर कार्य हमारे जीवन से इस समय समाप्त हो जाने दे प्रभु। बीमारियों पर अधिकार ले, जो लोग रोगी हैं उन पर इस समय अधिकार ले, अंधकार में पड़े हुए लोगों पर इस समय अधिकार ले, वे स्वतंत्र होकर तेरी आराधना कर पाए। जिनका गला खुलता नहीं है, जुबां खुलती नहीं, होंठ खुलते नहीं, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय यीशु मसीह नाजरी के नाम पर इसी समय उनके जीवन में चमत्कार हो और उनका गला परमेश्वर की महिमा के लिए खुले, उनकी जीभ परमेश्वर की महिमा करे। ऐसे सारे बंधनों में पड़े लोगों को समर्पित करते हुए हम तेरी आराधना करते प्रभु जी। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तेरी आराधना, तेरी महिमा, तेरी स्तुति। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु इस समय हम सब जो मिलकर तेरी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु, इस सुंदर समय में पवित्र आत्मा की अपार सामर्थ्य हमें इस समय महसूस हो और पवित्र आत्मा के अपार सानिध्य में रहकर हम तेरी आराधना कर पाए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इजहाक के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इजहाक के ईश्वर की आराधना। मेरे साथ मिलकर प्रभु की आराधना करें।
भक्ति ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इज़हार के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के ईश्वर की आराधना, इज़हार के ईश्वर की आराधना, इब्राहिम के अल्फा ओमेगा
मरियम नंदन आराधना।
धन्यवाद यीशु, धन्यवाद तेरी आराधना, तेरी स्तुति, महिमा, जय जयकार। स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से, रोगी चंगे हो जाए तेरे पवित्र सामर्थ्य लहू के द्वारा, बंधन खुल जाए, सारे बंधन खुल जाए, दुरात्मा शक्तियां तंत्र मंत्र जादू टोने का, दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे तेरे पवित्र नाम से। हालेलुया 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 स्वर्ग द्वार खुल जाए यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से। हालेलुया 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 हालेलुया। रोग बीमारी का बंधन टूटे, लकवे की बीमारी का बंधन टूटे, यूरिक एसिड की बीमारी का, निसंतानता की दुष्ट आत्मा का बंधन टूटे, हृदय के रोग के बंधन टूटे, किडनी के रक्त स्राव के बीमारियों के बंधन टूटे, हृदय के रोग के बंधन टूटे, पथरियों रसौलियों के मनमुटाव ईर्ष्या द्वेष हर प्रकार की लालच और ईर्ष्या का बंधन टूटे। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु के सानिध्य आपको घेरे हुए हैं, उसकी रूह का मस्सा आपके घर में छाया हुआ है। इस वक्त अपने आप को प्रभु से कनेक्ट करें, उस परम पिता ईश्वर से आप जुड़ जाएं। इस वक्त सारी चिंताओं को छोड़कर कुछ समय के लिए प्रभु के वचन को सुनने, उस पर मनन करने की कृपा मांगें। वेदी के ऊपर रखे इस पवित्र संस्कार को देखें, इस वेदी के इर्द गिर्द स्वर्गदूतों की सेना ऊंची आवाज में प्रभु की महिमा कर रही है, और आपका घर इस वक्त जहां पर दो या तीन उसके नाम से एकत्र हैं, उसकी महिमा से भरा हुआ है। प्यारे भाई और बहन, प्रभु के अभिषेक में चलना, प्रभु के अभिषेक का ताजा मस्सा ग्रहण करना, वो आपसे बातें करेगा, आपको परामर्श देगा, आपको सलाह देगा, अपने रहस्यों को आपके ऊपर वो प्रकट करेगा, आत्मा आपकी अगुवाई करेगा, प्रभु के रहस्यों को जानने के लिए वो आपकी मदद करेगा। इसलिए विचलित ना होना, बेचैन ना होना। कोई है जो प्रभु से बहुत दूर है, सांसारिक दुनिया में फंसा हुआ है और इस वक्त वचन सुन रहा है, सुन रही है, प्रभु आपको स्पर्श करना चाहता है, प्रभु आपको छूना चाहता है, प्रभु आपकी ज़िंदगी को संवारना चाहता है, प्रभु आपको अपना अभिषेक देना चाहता है, वो आपको सही रास्ते पर लाना चाहता है। जैसे कि उसने सिमोन पेत्रुस से कहा, सिमोन सिमोन, शैतान को तुम्हें गेहूं की तरह फटकने का अधिकार मिला, अनुमति मिली है, लेकिन जब तुम सही रास्ते पर आ जाओगे तो तब तुम अपने भाइयों को संभालोगे, उनकी देखभाल करोगे। आज आप में से बहुत सारे लोग जो सही रास्ते पर नहीं हैं, इसलिए प्रभु से भटके हुए हैं। सही रास्ते पर आ जाना, प्रभु आपके जीवन में आपको चंगाई देगा। बच्चे, नवयुवक युवतियां, विद्यार्थी, स्टूडेंट्स, जो अपने बल पर भरोसा करते हैं, आज प्रभु पर भरोसा करना, आज मेरे यीशु पर भरोसा करना, आज उस परम पिता ईश्वर पर भरोसा करना, जो अपनी रूह का ताजा मसा नित्य प्रतिदिन मुझे और आपको देता है। मेरा विश्वास है कि वो आपके घर में है, क्योंकि उसका वादा है, जहां पर दो या तीन मेरे नाम से एकत्र होते, मैं उनके बीच में हाजिर हूं। राइट नाउ बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। फील द माइटी प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स राइट नाउ वेर एवर यू आर, आइदर यू आर ट्रेवलिंग और यू आर इन योर होम, either you are in your office, wherever you are, just believe and trust in him, because he is the sovereign Lord, he is the almighty,
वो परमपिता सर्वशक्तिमान ईश्वर सर्वव्यापी सर्व जगह विद्यमान रहने वाला, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं और आपको भी देख रही हैं। आपका उठना, आपका बैठना, आपकी भक्ति, आपकी सादगी, प्रभु के सामने आपका बैठना उठना, वो सब कुछ देख रहा है, आपको अच्छी तरह से देख रहा है। आपके बैठने का तरीका कैसे है, आपके बोलने का तरीका कैसे है, प्रभु के सामने उपस्थित होकर उसकी हजूरी में आपका बैठना कैसा है। आदर करना तो वो आपका आदर करेगा, प्यारे भाई प्यारी बहन, ये उसका वादा है आज आपके लिए। उसका घर बनाना वो आपका घर बना देगा, उसके साथ रहना वो आपका जीवन संवार देगा, उसके साथ रहना, वचन की अगुवाई में चलना वो आपको उन्नति और सफलता प्रदान करेगा। बाइबल कहती है कि सफलता प्रभु पर निर्भर है, किसी का धनवान बनना प्रभु पर निर्भर है, आशीर्वाद में जीना प्रभु पर निर्भर है। आज संध्या के समय है, आपके उद्धार का समय है, आपकी अनॉइंटिंग का समय है, ये अनुग्रह का समय है। द अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम द ऑल्टर, द अनॉइंटिंग इज फ्लोइंग फ्रॉम द ब्लेसड सैक्रामेंट ऑफ द ऑल्टर। The most and the all-powerful Almighty God who wants to bless you right now, each and every one of you, जो आप अपने घरों में इस वक्त बीमार पड़े हुए हैं, अनेक प्रकार के रोगों से, घुटनों के दर्द से, गठिये के रोग से, बीमारी से, ब्रेन ट्यूमर से, पेनक्रियाटिस की समस्या से, रसौलियों से, बंधनों से, नसों की सिकुड़न से, वेरिकोसिस वेन से, अनेक प्रकार के लाइलाज बीमारियों से पीड़ित हैं, एक बार प्रभु से कहना, एक बार प्रभु से कहना कि प्रभु यदि तू चंगा करेगा तो मैं चंगा हो जाऊंगा, यदि तू मुझे शुद्ध करेगा तो मैं शुद्ध हो जाऊंगा। हे मेरे ईश्वर, मेरे स्वामी, मैं तुझ पर आस रखता हूँ। मेरी हड्डियां छींच रही मेरे रोगों के कारण, तुम मेरी वाणी पर, मेरी दुहाई पर ध्यान क्यों नहीं देता। मेरे गुनाहों को माफ कर, मेरे पूर्वजों से चली आई निरर्थक जीवन चर्या के लिए मुझे क्षमा कर। मेरे बच्चे को सही रास्ते पर ले आ, मेरे बेटे और मेरी बेटी को सद्बुद्धि प्रदान कर। हे प्रभु, मेरी कलीसिया पर दया कर, विश्वासियों पर दया कर, मसीहों पर दया कर। एंड ही इज रेडी टू ब्लेस यू, वो आपको ब्लेस करना चाहता है, आपके बिजनेस को, आपके दफ्तर को, आपकी गाड़ी को ब्लेस करना चाहता है। प्यारे भाई प्यारी बहन, जुड़ जाना कुछ समय के लिए, सब कुछ भूल जाना, प्रभु आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, विचलित ना होना। प्रभु कहता है संकट में मेरा साथ देते रहो और मैं तुम्हारा साथ दूंगा। प्रभु से प्राप्त चंगाई को अनुभव करें। द लॉर्ड इज हीलिंग यू, द लॉर्ड इज टचिंग यू। आप में से बहुत सारे लोग जो आंतरिक चोटों के कारण घायल हैं, आज प्रभु उन्हें शांत बना दे रहा है। आप में से बहुत सारे लोग मन की चोटों के कारण, आंतरिक चोटों के कारण, दिल पर लगे चोटों के कारण घायल हैं, अपराध बोध से घायल हैं, आत्मग्लानि में जीवन बिता रहे हैं, इसलिए उन्हें अपने आप, अपने अंदर हीन भावना है, आत्मग्लानि है, इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, प्रभु में विश्वास करने में असमर्थ है, वचन पर भरोसा करने में असमर्थ है। आप में से बहुत सारे लोग प्रभु की अधीनता अभी तक स्वीकार नहीं किए हैं, इसलिए यह समय है प्रभु की अधीनता स्वीकार करने का। उसकी अधीनता में, प्यारे भाइयों और बहनों, स्वतंत्रता है, उसकी अधीनता में स्वतंत्रता है, लेकिन संसार की स्वतंत्रता में गुलामी है। प्यारे भाइयों और बहनों, जो हम, मैं और आप इस दुनिया में अनुभव करते हैं, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, निवेदन करें, आराधना के दौरान प्रभु आपको स्पर्श करें, चंगाई प्रदान करें, दुखों को हल्का करें। दूत संतगण हमारे लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है, उसका हाथ छोटा नहीं है, उसका हाथ बहुत बड़ा है, वो आपको सबको बचा सकता है, चंगा कर सकता है, शुद्ध कर सकता है। बस कनेक्ट हो जाइए, प्रभु से जुड़ जाइए। कोई है इस वक्त रोने लगा है और प्रार्थना कर रहा, आंसू बहा बहा के, जैसा तूने विश्वास किया तेरे जीवन में वैसा ही हो जाए। यीशु मसीह, ईसा नाजरी के नाम पर तेरे जीवन में ऐसा ही हो जाए जैसा तूने विश्वास किया। रक्तस्राव पीड़ित स्त्री ने चाहा कि उसका पल्ला छू ले तो उसका रक्त स्राव सूख जाएगा, और ऐसा ही हुआ। आज आपके जीवन में भी ऐसा ही हो। पवित्र आत्मा
हमारी सहायता करे। बोलिए आमेन, आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, आपके प्रेम के लिए, आपके बलिदान के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ, आराधना करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपका वचन कहता है कि पवित्र आत्मा हमारे हृदय के अंतरतम में पहुंचकर हमारी अस्पष्ट आहों को जान लेता है। आत्मा हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है और वह हमारे लिए विनती करता है, ईश्वर के रहस्यों को हमारे लिए खोलता है। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं उसी आत्मा से भर जाऊं, सामर्थ्य दीजिए। मैं गुनाहों के लिए तौबा करता हूँ, माफी मांगता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सानिध्य का अनुभव करें।
ये सुंदर समय है मैंने कहा प्रभु से जुड़ने का, इधर उधर देखने का नहीं, फालतू की बातें सोचने का नहीं, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है। वचन कहता है धन्य है वे जो परमेश्वर की हजूरी में समय बिताते हैं, जो परमेश्वर के नजदीक रहते हैं। वो ऐसे पेड़ों के समान है जो तालाब के किनारे लगाए गए और सदा हरे भरे रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना, समय जाया करना नहीं प्यारे भाई प्यारी बहन, अपनी जिंदगी के लिए उस अनुग्रह को, अनॉइंटिंग अभिषेक को कमाना है जो आपकी जिंदगी की और स्वर्ग की पुस्तक में लिख दिया जाएगा। इसलिए जितना समय आप प्रभु के साथ बिताते हैं वो समय आपका क्वालिटी टाइम हो, वो समय आपका गुणवत्ता से भरा हुआ हो। सारी चिंताओं को छोड़कर इस वक्त प्रभु से प्रार्थना करना, विनती करना, ये आराधना का समय है, प्रभु की महिमा करने का समय है। आपका घर इस वक्त स्वर्ग बन जाता है, दूत संत गण आपके लिए प्रार्थना करना शुरू करते हैं, स्वर्ग द्वार खुल जाता है, स्वर्ग में हलचल होने लगती है कि आज इस घर को क्या हो गया, इतनी जोर से हालेलुया बोल रहे हैं, निवेदन कर रहे, दुहाई दे रहे हैं, हलचल होने लगती है और पिता ईश्वर आप पर दया करता है, आपके बच्चों को अनुग्रह प्रदान करता है। इसलिए हम लोग संरक्षण में बने रहने के लिए स्त्रोत संख्या 91 दोहराएंगे। प्रभु हमें आशीष दे, स्वर्गदूत आपके घरों पर पहरा दें, स्वर्गदूत मिखाएल अपनी तलवार से आपकी रक्षा करें, प्रभु का क्रूस आपके प्रांगण में लगे, आपको हर एक दुर्घटना से बचाए, आपको संरक्षण प्रदान करे। स्त्रोत संख्या 91, साम नंबर 91, पद संख्या 1 से 16 तक। तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो, तुम जो सर्वोच्च के आश्रय में रहते हो और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, और सर्वशक्तिमान की छत्र छाया में सुरक्षित हो, तुम प्रभु से यह कहो, तुम प्रभु से यह कहो, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, तू ही मेरी शरण है मेरा गढ़, मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरे ईश्वर मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, वह तुम्हें बहेलिए के फंदे से छुड़ाएगा, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, वह अपने पंख फैलाकर तुमको ढक लेता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, तुम्हें उसके पैरों के नीचे शरण स्थान मिलता है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता तुम्हारी ढाल है, और तुम्हारा कवच, और तुम्हारा कवच, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, तुम्हें ना तो रात्रि के आतंक से भय होगा, और ना दिन में चलने वाले बाण से, और ना दिन में चलने वाले बाण से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, ना अंधकार में फैलने वाली महामारी से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, और ना दोपहर को चलने वाली घातक लू से, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों ढेर हो जाए, तुम्हारी बगल में भले ही हजारों ढेर हो जाए, दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, दाहिनी ओर लाखों ढेर हो जाए, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, किंतु तुमको कुछ नहीं होगा, तुम अपनी आंखों से देखोगे, तुम अपनी आंखों से देखोगे, किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, किस प्रकार विधर्मियों को दंड दिया जाता है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, क्योंकि प्रभु तुम्हारा आश्रय है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुमने सर्वोच्च ईश्वर को अपना शरण स्थान बनाया है, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, तुम्हारा कोई अनिष्ट नहीं होगा, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, महामारी तुम्हारे घर के निकट नहीं आएगी, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश देगा, क्योंकि वह अपने दूतों को आदेश
देगा कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे, कि तुम जहाँ कहीं भी जाओगे वे तुम्हारी रक्षा करे, वे तुम्हारी रक्षा करे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे, वे तुम्हें अपने हाथों पर उठा लेंगे कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे, कि कहीं तुम्हारे पैरों को पत्थर से चोट ना लगे। तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम सिंह और सांप को कुचलोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे, तुम बाघ और अजगर को पैरों तले रौंदोगे। वह मेरा भक्त है, वह मेरा भक्त है, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा, इसलिए मैं उसका उद्धार करूंगा। वह मेरा नाम जानता है, वह मेरा नाम जानता है, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा, इसलिए मैं उसकी रक्षा करूंगा। यदि वह मेरी दुहाई देगा, यदि वह मेरी दुहाई देगा तो मैं उसकी सुनूंगा, तो मैं उसकी सुनूंगा। मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं संकट में उसका साथ दूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा, मैं उसका उद्धार कर उसे महिमान्वित करूंगा। मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, मैं उसे दीर्घ आयु प्रदान करूंगा, और उसे अपने मुक्ति विधान के, और उसे अपने मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा, दर्शन कराऊंगा। हालेलुया, 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 जनों। योहन का सुसमाचार अध्याय एक पद संख्या एक और उसे आगे हम पढ़ते हैं। आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था और शब्द ईश्वर था। बाइबल हमें बताती है कि आरंभ से ही इंसान ने परमेश्वर की खोज करनी शुरू की, परमेश्वर को देखने की इच्छा जाहिर की। परमेश्वर कैसा दिखता है, वो क्या चाहता है, वो मनुष्यों से क्या चाहता है, वो कैसा है और उसने ये सारी चीजें कैसे बनाई हैं, ये इंसान के अंदर आरंभ से ही प्यारे भाइयों और बहनों एक जिज्ञासा बनी रही। लेकिन समय के अनुसार ये हुआ कि सच्चे ईश्वर को लोग जान नहीं पाए, इसलिए लोगों ने अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने विचारों के अनुसार, अपनी भावनाओं के अनुसार जैसा उसे समझा वैसी मूरत उन्होंने प्रभु की अपने मन में बना ली। एक सुंदर दोहा है, जैसी रही भावना जिसकी, प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। अर्थात जिस व्यक्ति की धारणा जैसी थी उसने उसी प्रकार से ईश्वर को जाना, उसे देखा, उसे अनुभव किया। लेकिन हमारी बाइबल गवाह है कि परमेश्वर ने अपने आप को इस दुनिया में प्यारे भाइयों और बहनों प्रकट किया। वो इंसान के रूप में आकर हमारे बीच में रहा और उसने प्यारे भाइयों और बहनों इंसान को इतना प्यार किया, उससे इतनी मोहब्बत की कि वो उससे जुदा नहीं हो सकता था। उसने इंसान के लिए, उसके उद्धार के लिए एक कीमत चुकाई। इसलिए प्रभु ने आज संदेश दिया है कि मेरे बच्चों से बताओ कि मैंने इनके लिए, इनके प्राणों के लिए, इनके जीवन के लिए, इनके उद्धार के लिए अपना लहू बहाकर कीमत चुकाई है। संत पौलुस कहता है कि आप प्रभु के लहू की कीमत पर खरीदे गए हैं। इसलिए मेरे और आपके लिए निहायत ही ये जरूरी बात है कि मैं और आप उस सत्य परमेश्वर को जाने, वो कैसा दिखता है, वो कैसा है,
वो अपने रहस्यों को कैसे हमारे ऊपर प्रकट कर सकता है, हम उसे जाने, उसे पहचाने, उसके नजदीक चले, इसको समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण के द्वारा आज प्रभु का वचन हम समझेंगे। एक छोटा बालक था, उसने एक नाव बनाई और नाव बनाने के बाद उसने उसे डिजाइन किया, उसके ऊपर रंगाई की और बहुत सारे कलर्स के द्वारा शेड दिया और अब वो सुंदर दिखने लगी और उसके ऊपर उसने अपना नाम लिखा। अब उसके मन में ख्याल आया कि इस नाव का परीक्षण किया जाए, इसलिए वो क्या करने गया, उसे पानी में ले गया और वहां पर उसने उस नाव को पानी में छोड़ दिया और जब पानी में वो तैरने लगी तो बालक नाव को देखकर बड़ा खुश हुआ, उसे अपने ऊपर बड़ा भरोसा आया, उसे अपनी बनाई हुई चीज बहुत अच्छी लगी क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, वो कलरफुल थी और उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ था। वो नाव तैर रही थी प्यारे भाइयों और बहनों, लेकिन अचानक एक तूफान उठता है और उस तूफान की वजह से उस पानी में लहरें उठने लगती हैं और देखते ही देखते उन लहरों के कारण वो नाव डूब जाती है। जब वो डूब जाती है तो ये बालक बड़ा निराश होता है, उस दिन वो इतना उदास हो जाता है कि उसे भोजन तक करने की इच्छा नहीं होती है क्योंकि उसकी बहुत प्यारी चीज जो थी वो उससे जुदा हो गई, उसने उसे खो दिया, वो उससे दूर चली गई जिसके लिए उसने इतनी मेहनत की थी, इतनी शिद्दत से, इतने कठिन परिश्रम से उसे सजाया था, संवारा था और उसने कलर्स के शेड दिए थे, कितनी मेहनत के साथ उसे बनाया था, आज वो उसके पास नहीं थी, वो उससे बहुत दूर थी, वो खो चुकी थी, इसीलिए वो इसी असमंजस में पड़ा रहा कि उसको कैसे प्राप्त किया जाए, लेकिन उसके पास कोई उपाय नहीं था, वो बड़ा उदास हो चला था और इसी उदासी और निराशा में वो जीवन बिता रहा था। एक दिन टहलते टहलते वो बाजार से गुजर रहा था और गुजरते समय उसने देखा कि एक लकड़ी की नाव जो बहुत ही कलरफुल है और उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है, उसके मन में जिज्ञासा होती है कि मैं जाकर देखूं कि क्या ये वही नाव है। जैसे ही वो नजदीक जाता है वो पहचान लेता है कि ये मेरी नाव है। वो दुकानदार के पास जाता है और वो कहता है, देखो ये नाव मेरी है, ये मुझे दे दो। दुकानदार कहता है, ये तुम्हारी कैसे हो सकती है? बोला, इसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ है। बोला, मैं इसे तुमको नहीं दे सकता हूं, अब ये तुम्हारी नहीं है, अब ये मेरी दुकान में है, अब मेरी वर्कशॉप में है, मैं जैसा चाहूंगा इसे इस्तेमाल करूंगा, अब मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूं, एक शर्त पे मैं दूंगा, अगर तुम इसका 500 रुपए मूल्य अदा करोगे तो मैं तुम्हें दे दूंगा। बच्चा थोड़ी देर सोचता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो उससे कहता है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम इस नाव को किसी को नहीं दोगे, मैं कल पैसे लेकर आऊंगा और मैं इसे मूल्य अदा करके लेकर चला जाऊंगा। दूसरे दिन वो बच्चा आया, 500 रुपए उसने अदा किए और अपनी नाव लेकर चला गया। ये कहानी हो सकता है आपके मनोरंजन के लिए हो, लेकिन इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य छुपा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों। वो जो नाव थी जो डूब गई थी वो आप थे, वो मैं था, बनाने वाला परमेश्वर था और वो जो तूफान था वो शैतान की चाल थी और जो दुकानदार था जिसने उसे लाकर अपने कब्जे में रख लिया था वो इस दुनिया का नायक था,
प्यारे भाइयों और बहनों, ये हमारी जिंदगी की हकीकत थी। उस परमेश्वर ने जिस इंसान को आपको और मुझे इतने प्यार से, इतने शिद्दत से और भक्ति से, सादगी से सजाया था, उसने अपनी रूह इंसान के अंदर डाल दी थी, जिससे वो प्यार करता था। अदन बाग में उसके साथ अटखेलियां किया करता था, उसको देखकर खुश हुआ करता था और उसे अपनी बनाई हुई चीज पर बड़ा फक्र था। प्यारे भाई और बहनों, बड़ा गर्व था, क्योंकि सारी सृष्टि में इंसान सबसे ज्यादा सुंदर था और वो ईश्वर के प्रतिरूप था। लेकिन शैतान के वश में, उसके प्रलोभन में आने के कारण उसका रिश्ता परमेश्वर से टूट गया था। इसलिए अब उन्हें मालूम नहीं था कि इसको कैसे प्राप्त करना है। प्यारे भाइयों और बहनों, इंसान की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो ईश्वर की अधीनता में रहना नहीं चाहता था, और आज 21वीं सदी में भी ऐसा ही है। क्यों इंसान ईश्वर की अधीनता स्वीकार नहीं करता? वो इसलिए क्योंकि ईश्वर की अधीनता में रहने का मतलब यह है, उपवास करना, प्रार्थना करना, गिरजा जाना, आराधना करना, सत्य बोलना, सेवा करना, मंदिर की सीढ़ियों पर झाड़ू लगाना। अगर हम परमेश्वर के साथ रहेंगे तो ये सब हमें करना पड़ेगा। ना बाबा ना, हम ये सब नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम क्या करेंगे, परमेश्वर के अधीन नहीं रहेंगे। जब हमारी मर्जी होगी हम आ जाएंगे, माथा टेक के चले जाएंगे, लेकिन हम कलीसिया के साथ नहीं रहना चाहते, हम परमेश्वर के साथ नहीं रहना चाहते। आज के बच्चे, नवयुवक युवतियां, उनकी यही दशा है। प्यारे भाइयों और बहनों, और मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रियजनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते तो आप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। एक उदाहरण दूंगा, शायद उससे आप अच्छी तरह समझ सकें। यदि आप अधीनता में नहीं रहेंगे, थोड़े समय तक आप उड़ेंगे जरूर, थोड़े समय तक आप सफलता जरूर हासिल करेंगे, लेकिन आपका मार्गदर्शन करने वाला कोई नहीं होगा, तो इसलिए जल्दी नीचे गिर जाएंगे। एक पिता अपने बच्चे के साथ अपने घर की छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था। एक पिता अपने छोटे बच्चे के साथ अपने घर की छत पे खड़े होकर पतंग उड़ा रहा था, और पतंग बहुत ऊंचे उड़ रही थी। छोटे बालक के मन में ख्याल आता है और वो सोचने लगता है कि पतंग इतना ऊपर चली गई है, ये तो और भी ऊपर जा सकती है, यदि पापा इसको और थोड़ा छोड़ देंगे, धागा और थोड़ा छोड़ देंगे, तो ये और ऊपर जा सकती है। तो उसने पापा से कहा, पापा डोर थोड़ी और ढीली करो, ये और ऊपर जाएगी। और थोड़ी डोर ढीली करने के साथ ही वो और ऊपर चली गई। लेकिन बच्चे के मन में शांति नहीं आई, संतोष नहीं आया। बोला, पापा एक काम करो, आप इस डोर को काट दो, आप इस डोर को काट दो, आपने इसको थामे हुए हैं, इसलिए ये और ऊपर नहीं जा पा रही है। तो पापा ने कहा, नहीं, हम इसको नहीं काट सकते। बोला, नहीं पापा, इसको काटना है, मैं कहता हूं आप इसको काट दो। और रोने लगता है, जिद करने लगता है। पापा ने डोर छोड़ दी। कुछ समय के लिए वो डोर जो हाथ से छूट गई थी, पतंग से लिपटी हुई थी, वो पतंग बहुत ऊंची उड़ी। लेकिन थोड़ी ही देर के बाद इतनी तेजी से नीचे आई, उसका पता नहीं चला कि वो कहां गिरी थी। प्यारे भाई और बहनों, इसलिए इंसान यदि परमेश्वर की अधीनता में रहता है, उसके मार्गदर्शन में चलता है, तो प्यारे भाइयों और बहनों, वह एक समान ऊंचाई पर उड़ता रहता है। लेकिन यदि वो अधीनता स्वीकार नहीं करता, आजाद होना चाहता है, तो बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है। लूकस का सुसमाचार अध्याय 15 पद संख्या 11 और उससे आगे
हम वचन पढ़ते हैं उड़ाऊ पुत्र के विषय में ऐसा ही था, उड़ाऊ पुत्र के विषय में ऐसा ही था। उड़ाऊ पुत्र जिसका पिता उसे बहुत प्यार करता था, वचन कहता है एक दिन उसके मन में ख्याल आया और कहने लगा कि मुझे तुम्हारी अधीनता स्वीकार नहीं है, क्योंकि तुम्हारे साथ रहने से ये सब काम करने पड़ते हैं, रोज दुआ करनी पड़ती, रोज प्रार्थना करनी पड़ती है। आप में से बहुत सारे लोग फोन करते हैं और कहते हैं फादर जी हमारे घर में दिन रात भजन चलते हैं, आराधना चलती रहती है, और कभी बेटा कहता है मम्मी तुमने तो चर्च घर को चर्च बना दिया है, कभी हमें अपने गाने भी सुन लेने दिया करो, क्या तुमने ये रोज प्रार्थना लगा रखी है। इसी तरीके से उड़ाऊ पुत्र भी एक दिन अपने पिता को कहने लगा कि मुझे मेरा हक दे दो, मेरा हिस्सा दे दो। पिता को शायद समझ नहीं आया होगा, पिता को शायद समझ में नहीं आया होगा कि इस बेटे को मैं क्या दूं, आखिर सब कुछ तो इसका है, जो मेरा है वो इसका है, और इसके बावजूद ये हिस्सा मांग रहा है। उसके बहुत जिद करने के बाद पिता ने उसे उसका हिस्सा दिया और वो बड़ी खुशी के साथ अपनी पोटली उठाता है, अपना पैसा और धन संपत्ति लेता है और किसी दूर देश चला जाता है। अगले वचन में आप पढ़ेंगे थोड़ा ही समय बीता था कि उस देश में अकाल पड़ा, थोड़ा ही समय बीता था कि उस देश में अकाल पड़ा और सब कुछ खत्म हो गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचा, उसके जीवन में भी अकाल पड़ गया क्योंकि उसका सब कुछ लूट गया था, क्योंकि उसने अधीनता स्वीकार नहीं की। वो स्वतंत्र होके जीना चाहता था, वो स्वतंत्र होके जीना चाहता था। आज बच्चे नवयुवक और युवतियां आजादी में रहना चाहते हैं, और उड़ाऊ पुत्र भी उसने ऐसा ही निर्णय किया। लेकिन थोड़ी ही देर आजादी में रहने के बाद उसका सब कुछ समाप्त हो गया। काम ढूंढने के सिलसिले में वो दर दर भटकता रहा, घर पर घर बदलता रहा, और एक व्यक्ति के यहां उसे एक ऐसी जगह में काम मिला जहां पर जानवरों को चारा खिलाना था, सुअरों के साथ उसे रहना पड़ा, सुअरों का भोजन जो सुअर खाते थे उनके साथ उठना बैठना और वही खाना, उसकी फलियों को खाना उसे पड़ा। और बाइबल कहती है एक दिन उसे होश आया, जब वो होश में आया तो कहने लगा, सोचने लगा, मन ही मन विचार करने लगा कि मेरे पिता के घर में सैकड़ों मजदूर भरपेट भोजन करते हैं और मैं यहां भूखों मर रहा हूं। मैं उठूंगा और मैं जाऊंगा, मैं उठूंगा और जाऊंगा और कहूंगा पिताजी मैंने आपके और स्वर्ग के विरुद्ध पाप किया है, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। जब वो होश में आया, आज बहुत सारे लोग होश में नहीं है इसलिए उनका जीवन बर्बाद हो रहा है, इसलिए वो अनेक प्रकार के चक्करों में फंसे हुए हैं, उनका पैसा बर्बाद हो रहा है लेकिन पता नहीं है, वो अपने अंगों को बर्बाद कर रहे हैं लेकिन पता नहीं है, ड्रग्स हर प्रकार की अश्लीलता के कारण उनके घर उनके रिश्ते उजड़ रहे हैं लेकिन पता नहीं है, वो अपने शरीर को तृप्त करना चाहते हैं लेकिन नहीं जानते कि अपने शरीर को नुकसान पहुंचा रहे हैं, कुछ गुटके के शिकार हैं तो अपने फेफड़ों को जला रहे हैं, मुंह के कैंसर से परेशान हैं, तो कुछ लोग हर प्रकार के नशे से पीड़ित हैं तो उनके अंग सड़ रहे हैं। तो प्यारे भाई और अनेक प्रकार के बंधन हैं, अनेक प्रकार के बंधन हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। वो उठता है, वो जाता है और क्षमा याचना करता है। प्यारे भाइयों और बहनों, आज हमारे जीवन में वही बात प्रभु हमें समझाना चाहता है कि हम होश में आए, हम परमेश्वर को जाने और उसे समझें। इंसान अधीनता स्वीकार करना नहीं चाहता है इसलिए वो अपना जीवन जल्दी ही नष्ट कर लेता और उसका जीवन जल्दी उजड़ जाता है। और बाइबल हमें बताती है जो दृढ़ता पूर्वक प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखता, विश्वास नहीं करता, उसका घर शीघ्र ही उजड़ जाता है। हालेलुया।
हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आपने मेरे लिए प्रायश्चित किया है, बलिदान दिया है। हालेलुया, हे प्रभु यीशु, मुझ पर दया कीजिए, मेरे परिवार पर दया कीजिए। मैं आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ, जय जयकार करता हूँ। हे प्रभु यीशु, मेरा विश्वास दृढ़ हो जाए और मुझे अपनी गलतियों पर क्षमा याचना करने का सामर्थ्य मिल जाए। हालेलुया। तो वो पिता जो अपने बेटे का इंतजार कर रहा था, जो खोया हुआ था, जब उसे पा लेता है तो कितना खुश होता है। ठीक वैसे ही जैसे उस लड़के ने, जिसकी नाव डूब गई थी, उसने वो बहाया, पैसा अदा किया और वो अपनी नाव को ले आया। लेकिन परमेश्वर ने, प्यारे भाइयों और बहनों, बाइबल हमें बताती है कि आपको और मुझे शैतान की गुलामी से छुड़ाने के लिए, पुनः प्राप्त करने के लिए, उसने क्रूस के ऊपर अपना प्राण न्यौछावर किया। क्रूस के ऊपर उसने यज्ञ किया। क्रूस के ऊपर उसने अपने आप को बलिदान किया। क्रूस के ऊपर चढ़कर उसने मेरे और आपके लिए कीमत अदा की, और वही कीमत के कारण मैं और आप आज बच गए हैं। मेरे और आपके उद्धार के लिए कीमत अदा की गई है। द कॉस्ट ऑफ द सल्वेशन, माई डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इज पेड बाय जीसस क्राइस्ट। द कॉस्ट ऑफ सल्वेशन, उद्धार की जो कीमत है, वो प्रभु यीशु के द्वारा आपके और मेरे लिए अदा की गई है। जिस तरह से उस छोटे लड़के ने अपनी नाव के लिए 500 रुपए अदा करके दुकानदार से वो ले आया, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने अपने लहू की कीमत अदा करके शैतान की दासता और उसकी गुलामी से सदा के लिए हमें छुड़ाया, सदा के लिए हमें छुड़ाया। और ये उद्धार मुझे और आपको मुफ्त में मिला, ये उद्धार मुझे और आपको मुफ्त में मिला। ये परमेश्वर की दया के कारण हमें मिला, ये परमेश्वर के प्रेम के कारण हमें मिला। परंतु ये इतना सस्ता नहीं है जितना कि लोग समझते हैं। ये इतना सस्ता नहीं है, और ना इसे समझना कि ये इतना सस्ता है कि परमेश्वर ने इंसान का रूप धारण करके इस दुनिया में आकर निवास किया मेरे और आपके उद्धार के लिए। वो मेरे और आपके जैसा बना, मेरे और आपके जैसे उसने खाया, मेरे और आपके जैसे उसने दुखों को अनुभव किया, उसने इंसान का दर्द जाना और उसने इंसान को अच्छा किया, चंगा किया। इसलिए उसके नाम में मुक्ति है, प्यारे भाई और बहनों, उसके नाम में शिफा है, उसके नाम में चंगाई है, उसके नाम में उद्धार है, उसके नाम में शांति है, उसके नाम में सामर्थ है। और वो सामर्थ सारे बंधनों को तोड़ देता है, उस सामर्थ सारे बंधनों को तोड़ देता है। इसलिए आज मैंने कहा आपके उद्धार का दिन है। प्रभु कहता है कि तू बच और तेरा घराना बचाया जाएगा, तू प्रायश्चित कर और तेरे घर के लिए प्रायश्चित कर और तेरा घर बचा लिया जाएगा। इसलिए आज इंसान को परमेश्वर की अधीनता में रहना सीखना चाहिए, दुनिया को परमेश्वर की अधीनता में, पवित्र धर्मशास्त्र की अधीनता में रहना होगा हर एक व्यक्ति को, प्रभु के अनुयायी को, विश्वासी को, मसीहों को परमेश्वर की अगुवाई में चलना होगा, डिवाइन हेल्पर्स की मदद लेना होगा। परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मुझे और आपको चलाता है। इसलिए बाइबल हमें कहती है, प्रेरित चरित्र अध्याय 3 पद संख्या 16, कि ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते हैं और जानते हैं, बल प्रदान किया है। आप जानते हैं कि सुंदर नामक फाटक पर एक लंगड़े को पेत्रुस ने स्वास्थ्य लाभ प्रदान किया था, और लोग उसको देखकर आश्चर्यचकित हो गए और विश्वास नहीं कर पाए, असमंजस में पड़ गए कि क्या यही वही व्यक्ति है जो फाटक पर पड़ा रहता था, लंगड़ा था, जन्म से लंगड़ा था, अब ये कैसे चलने लगा है, कैसे डांस करने लगा, कैसे नाचने लगा है। और वो असमंजस में पड़ गए। प्रेरितों ने कहा कि ईसा के नाम में विश्वास के कारण उसी नाम ने इस मनुष्य को, जिसे आप देखते हैं और जानते हैं, इसे बल प्रदान किया है।
तो यीशु के नाम में शक्ति है, बोलिए आमेन। आमेन। यीशु के नाम में सामर्थ है, बोलिए आमेन। आमेन। यीशु का नाम चंगा करता है, आमेन। यीशु का नाम शिफा देता है, आमेन। यीशु का नाम लंगड़ों को चलाता है, आमेन। यीशु के नाम में सामर्थ है, आमेन। आज जो विश्वास करेगा उद्धार पाएगा, बोलिए आमेन। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रेरितों ने कहा कि आप यीशु मसीह में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आप यीशु मसीह में विश्वास करें तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति मिलेगी। आज हमारी इस दुनिया में आध्यात्मिक अशांति है, हम बेचैन हैं, चिंता में रहते हैं। ये वचन सुन रहे हैं लेकिन आपका मन इस वक्त कहीं और है। आप सुन रहे हैं कान से लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों आप सोच रहे हैं दिमाग से। आप सुन रहे हैं कान से लेकिन सोच रहे हैं दिमाग से। और कई लोगों के जीवन में इस वक्त वचन सुनने के साथ साथ अनेक प्रकार के चलचित्र आपके मन में छल रहे हैं, गूंज रहे हैं और आप उनकी कल्पना कर रहे हैं। इसलिए कहा गया है सुना हुआ केवल 10% ही रजिस्टर होता है। जानते हैं दिमाग के दोनों ओर परमेश्वर ने कान क्यों दिए हैं? ताकि हम यहां से सुने और दिमाग से हम उसको ग्रहण करें, सोचें। और हमारी जो मानसिक शक्ति है प्यारे भाइयों और बहनों उन बातों को ग्रहण करें। तो हर तरफ उदासी है, हर तरफ अत्याचार का बोलबाला है, झूठ फरेब अनेक प्रकार के ऐसे जो चीजें हैं आज दुनिया में व्याप्त हैं। इंसान का सर्वनाश कर सकता है ये सारी चीजें, ये सारी बुराइयां, क्योंकि बाइबल हमें बताती है कि शैतान जो इस दुनिया का नायक है, जो पाप का पिता है, जिससे पाप की शुरुआत हुई है, वो हमें नष्ट कर सकता है क्योंकि ये उसका कैरेक्टर है। योहन का सुसमाचार अध्याय 10:10, चोर चुराने मारने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया हूं, प्रभु कहता है, कि तुम्हें जीवन मिले, तुम्हारा उद्धार हो, तुम्हें चंगाई मिले, तुम्हें शांति मिले। लेकिन प्रभु यीशु प्यारे भाइयों और बहनों शैतान के वश में नहीं आया। उसने उसे प्रलोभन दिया लेकिन उसने उसे हराया। उन्होंने मौत पर फतह पाई और उसने कीमत अदा करके आपको और मुझे खरीद लिया। उसने कीमत अदा करके आपको और मुझे खरीद लिया। इसलिए याद रखिए कि केवल इस दुनिया से, हमारे पापों से केवल परमेश्वर आपको और मुझे आजाद कर सकता है। मैंने कहा पिछले दिनों में कि यीशु के लहू में सामर्थ है, क्योंकि बाइबल हमें बताती है, लेवी ग्रंथ में मैंने आपके लिए वचन पढ़ा था कि बाइबल कहती है कि पशु और प्राणी के रक्त में क्या है, शक्ति है, इसी के कारण वो जिंदा रहता है। इसी तरह से प्रभु यीशु के रक्त में सामर्थ है, लेकिन यदि वो रक्त यूसुफ का होता तो वो साधारण रक्त होता, मेरे और आपके जैसा रक्त होता। वो साधारण खून नहीं था, वो पिता का खून था, पवित्र आत्मा के द्वारा वो मां मरियम के गर्भ में आया था। इसीलिए उसके खून बहाने से मुझे और आपको शिफा मिली, मुझे और आपको उद्धार मिला, और वो कीमत उसने चुकाई। क्योंकि परमेश्वर को मालूम था, जैसा मैंने कल भी आपसे कहा कि प्रभु का वचन रोमियो के पत्र में हम पढ़ते हैं, संत पौलुस कहता है कि परमेश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वो हमारे अंतःकरण को जानता है। इसलिए परमेश्वर को ये मालूम था कि पाप के अंदर सामर्थ है आपको कुचलने का, पाप में सामर्थ है आपको नष्ट करने का, पाप में सामर्थ है आपको पूरी तरह से सर्वनाश करने का, लेकिन यीशु में सामर्थ है बंधन को तोड़ने का, पाप को कुचलने का सामर्थ यीशु में है।
यीशु के नाम में सामर्थ्य शांति स्थापित करने का, यीशु के नाम में सामर्थ्य उद्धार देने का, यीशु के नाम में सामर्थ्य आपको मुक्ति देने का। और यीशु ने ये सारे काम क्रूस पर अपने आप को बलिदान करके किए। उन्होंने ये सारे काम अपने आप को क्रूस पर बलिदान करने करके दिए। प्यारे भाइयों और बहनों, इस दुनिया में शांति को स्थापित करने के लिए उन्होंने अपना रक्त बहाया, जिससे कि मैं और आप क्या हो सकें, आजादी में रह सकें। इसलिए मैंने कहा परमेश्वर की अधीनता में स्वतंत्रता है, परमेश्वर की अधीनता में स्वतंत्रता है, लेकिन शैतान की अधीनता में गुलामी है। इस वचन को समझना आप। परमेश्वर के अधीन रहेंगे तो आपको यह खुशी देगा, आनंद देगा, दुख में भी आप खुश रहेंगे, आनंदित रहेंगे, लेकिन शैतान की अधीनता स्वीकार करेंगे तो वो आपको नशे में डुबा देगा, गलत रिश्तों में डुबा देगा, अनेक प्रकार की गलत चीजों में और फंदों में फंसा देगा, और आप उसके गुलाम बन जाएंगे और उसकी गुलामी में रहकर आपके जीवन का अंत हो जाएगा। इसलिए मैंने कहा कि उसकी गुलामी में आपका सर्वन, उसकी अधीनता में आपकी गुलामी है और उस गुलामी में आपका सर्वनाश है, लेकिन परमेश्वर की अधीनता में आपको स्वतंत्रता है। इसलिए संत पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है और प्रभु यीशु भी ये कहता है कि आत्मा जब आप पर उतर आएगा तो वो आपको स्वतंत्र करेगा और आप सत्य को पहचानोगे और सत्य आपको आजाद कर देगा। बोलिए आमेन। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूँ, स्वीकार करता हूँ, वचन को ग्रहण करता हूँ, वचन को ग्रहण करता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आप दयावान हैं, आप दयावान, आप दया के राजा हैं, आप दया के राजा, चंगा करने वाले प्रभु हैं, चंगा करने वाले प्रभु। हालेलुया, 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 हालेलुया। चांद पर जाने वाला पहला व्यक्ति जिसका नाम था नील आर्मस्ट्रांग, वो चांद पर गया। वहां पर जाकर वो उसका जायजा लेकर आया। वापस धरती पर जब आया तो बहुत सारे लोगों ने उसका अनुभव जानने की कोशिश की, बड़े बड़े इंटरव्यू उसने दिए और उनसे पूछा गया कि जब आप चांद पर टहल रहे थे तो आपका अनुभव कैसा था। आप तो एक ऐसे बड़े काम को फतेह करके आए हैं, उसके विषय में आपका क्या ख्याल है, वो कैसा दिखता है, वो कैसा है, हमें बताने की कोशिश करो। वो जवाब में कहता है कि देखिए, ये बड़ी बात नहीं थी कि मैं चांद पर गया या फिर मैं पहला व्यक्ति हूं जो चांद पर मैं घूम कर आया, टहल कर आया और वहां का जायजा लेकर आया और वहां की चीजों को देखकर आया, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात इसमें है कि जिसने उस चांद को बनाया है, बड़ी बात इसमें है कि जिसने उस चांद को बनाया है वो सृष्टिकर्ता कितना महान और कितना बड़ा है। मैं ये सोच रहा हूं ना कि ये कि मैं चांद पर होकर आया हूं, ये मेरा और आपका ख्याल होना चाहिए जब आप और मैं आज इस दुनिया में रहते हैं, कि इतनी सुंदर सृष्टि, इतनी बड़ी पृथ्वी और इतना बड़ा, प्यारे भाइयों और बहनों, ये सौर मंडल है जो परमेश्वर ने बनाया है, इसको बनाने वाला कितना अच्छा, कितना महान, कितना करुणामय, दयालु और सुंदर होगा जिसने इस सुंदर सृष्टि को बनाया है। इंसान के लिए चांद पर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्यारे भाइयों और बहनों, हमारे लिए बड़ी बात यह है ये सोचना कि हम उस परमेश्वर को जान सके, पहचान सके, जिसकी खोज इंसान शुरुआत से करता आया है और उस परमेश्वर ने इंसान के रूप में प्रकट होकर आपको और मुझे दिखाया कि मैं कैसा दिखता हूं, मैं कैसा हूं, मैं क्या कर सकता हूं। ये सब यीशु मसीह के जरिए उसने आपके और मेरे सामने उसने प्रकट किया। इसलिए मैंने आरंभ में कहा कि इंसान इस खोज में था,
कि परमेश्वर कैसा है, उसका रूप कैसा है, वो दिखता कैसा है, वो हमसे क्या चाहता है। ऐसे सवाल थे दुनिया के ऋषियों के, मुनियों के, तपस्वियों के, संतों के, और जो समाधि में बैठा करते थे, मेडिटेशन करते थे, तपस्या करते थे। आप जो इस वक्त वचन सुन रहे हैं, जो तीर्थ यात्रा करते हैं, क्यों करते हैं? केवल परमेश्वर को ढूंढने के लिए, खोजने के लिए, पापों के प्रायश्चित के लिए, पुण्य के कमाने के लिए। आप और मैं निरंतर क्या करते हैं? उसे खोजने की कोशिश करते हैं। और यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे बीच में प्रकट हो गया। वो कैसा दिखता है? यीशु मसीह ने आपको ये दिखाया। वो क्या कर सकता है? यीशु मसीह ने आपको ये करके दिखाया। जब उसने मुर्दे को चंगा जिला दिया, तो उसने ये सामर्थ करके दिखा दिया कि कोई इंसान नहीं परंतु परमेश्वर मुर्दों में जान डाल सकता है। बोले आमेन। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं वचन में विश्वास करता हूँ, वचन में विश्वास करता हूँ, और आपके उद्धार पर, और आपके उद्धार पर विश्वास करता हूँ, विश्वास करता हूँ। हालेलुया। अपने वचन के द्वारा, अपने वचन के द्वारा आज मुझे शांति प्रदान कीजिए, शांति प्रदान, चंगाई प्रदान कीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया। हालेलुया। जब उसने रोगियों को चंगा किया, तो उसने वचनों को पूरा कर दिया। मैं वो परमेश्वर हूँ जो तुम्हें चंगा करता हूँ, तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधता हूँ। जब उसने याकूब, योहन और पेत्रुस को रूपांतरण के समय दर्शन दिया, तो उसने अपनी महिमा का दर्शन भी उन्हें करा दिया कि देखो मैं कैसा दिखता हूँ, मेरा प्रतिरूप कैसा है, मेरा रूप कैसा है, तुम देखो। वो परमेश्वर है जिसमें हम विश्वास करते हैं, प्यारे भाई और बहनों, जिसको हम अनुभव करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं। वो आदि में शब्द था, शब्द ईश्वर के साथ था, और शब्द ईश्वर था, और शब्द ने शरीर धारण किया और इस दुनिया में रहा, और सबके लिए उसने सबके गुनाहों के लिए अपना लहू बहाकर कीमत अदा करके, आपके उद्धार के लिए कीमत चुकाकर उसने प्रायश्चित किया और मुझे और आपको खरीदा। इसलिए मैंने कहा ये उद्धार सस्ता नहीं है, इसे सस्ता मत समझना। ये उद्धार सस्ता नहीं है, इसका मजाक नहीं उड़ाया जा सकता, वो ठट्ठों में नहीं उड़ाया जा सकता। अगर आप विश्वास करेंगे तो उद्धार पाएंगे, आपका बंधन टूटेगा, आपके गर्भ के बंधन टूटेंगे, आपकी आर्थिक तंगियों के बंधन टूटेंगे, बेरोजगारी के बंधन टूटेंगे। आप विश्वास करके देखिए तो आप उद्धार पाएंगे, आपका घराना उद्धार पाएगा। ये मेरा वचन नहीं, ये पवित्र शास्त्र का वचन है। बाइबल ये कहती है, तू बचेगा तो तेरा घराना भी बचाया जाएगा। तू विश्वास करेगा ईसा मसीह नाजरी के नाम में, अगर तू विश्वास करेगा, तू अपने गुनाहों से आजाद हो जाएगा, तो खुशी में जिंदगी जिएगा। आज ये कलाम आपने सुना है, आपके जीवन में आपको दृढ़ता, चंगाई, शांति प्रदान करे। प्यारे भाइयों और बहनों, आपके जीवन से हर प्रकार का बंधन टूटे, आप प्रभु को अनुभव करें और महसूस करें कि वो कितना अच्छा है, जिसने आपके लिए अपना प्राण न्यौछावर किया, जिसने आपके लिए अपने लहू की कीमत चुकाई है। आइए हम प्रार्थना करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें अपनी शांति में बने रहने दे, चंगाई में और शिफा में बने रहने दे। हम तेरे साथ रहना चाहते हैं, हम तुझे अनुभव करना चाहते हैं। आइए है इस वक्त हम खड़े हो जाएं, चंगाई के लिए प्रार्थना करें और प्रभु की महिमा करें। तेरा लहू, तेरा लहू, तेरा
Hallelujah, 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 hallelujah.
क्षमा कर दीजिए, बंधनों से आजाद कर दीजिए, हर प्रकार के तंत्र मंत्र जादू टोने काश की दुष्ट आत्माओं शैतानी बंधनों से आजाद कर दे। हे प्रभु तेरे इन बच्चों को शुद्धता पवित्रता का वरदान प्रदान कर। इब्रानियों का पत्र अध्याय 9 पद संख्या 12 में तेरा वचन कहता है, उन्होंने बकरों तथा बछड़ों का नहीं बल्कि अपना रक्त लेकर सदा के लिए एक ही बार परम पावन स्थान में प्रवेश किया और इस तरह हमारे पापों के लिए सदा सर्वदा बना रहने वाला उद्धार प्राप्त किया। सच में प्रभु हम सब तेरे हैं, ये बच्चे तेरे हैं, ये दुनिया तेरी, इन पर दया कर दे। शैतानी ताकतों का, बंधनों का, इस संसार के नायक का इन पर कोई अधिकार नहीं। तेरा पवित्र लहू इनके घरों चौकों बिछौनों पर छिड़क देता हूँ। इन्हें उद्धार प्रदान कर, शांति प्रदान कर। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बंधन टूटे हर प्रकार के बेरोजगारी के, अश्लीलता के, रोग बीमारी के, रक्त स्राव के, बवासीर, अस्थमा, अनेक प्रकार की अशांति, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, हर प्रकार के बंधन टूटे, निसंतानता के बंधन टूटे। प्रभु इन पर दया कर, तेरा आत्मा इन पर अधिकार ले। हालेलुया 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 हालेलुया। भेजी गई दुष्ट आत्माएं, प्रलोभनकारी दुष्ट आत्माएं, सताने वाली आत्माएं, बेचैन आत्माएं, यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से उनके क्रूस के नीचे जाकर बन जाओ और कभी ना लौटो। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग द्वार खुल जाए, रू की आग उतरे 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 आग उतरे। राइट नाउ आई क्लेम द डिलीवरेंस एंड हीलिंग इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के पवित्र सामर्थी लहू से आपको विलेपन करता हूँ, आजाद करता हूँ हर प्रकार की बदकारी से, हर प्रकार के मनमुटावों से, गंदी दुष्ट आत्माओं से, आकाश की शक्तियों से, दुष्ट आत्माओं से। यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आपको आजाद करता हूँ। ईसा मसीह नाजरी के नाम पर चंगे हो जाओ, उठो और चलो फिरो। जिनकी आंखों में रोशनी नहीं है, रोशनी आ जाए। जिनके गर्भ सूने हैं, वो गर्भ फिर से भर जाएं। जिनकी रसौलियां हैं, वो जल के राख हो जाएं। जिन्हें कैंसर की बीमारी है, अभी और इसी वक्त निकले, जल के राख हो जाए। लंगड़े पन की दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थी नाम से आपको छोड़े और जाए। गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा आपसे निकले और जाए। तंत्र मंत्र झाके ताबीजों की दुष्ट आत्माएं आपके परिवारों से निकले और जाए, जल के राख हो जाए। यीशु के पवित्र सामर्थ्य नाम से तमाम आकष्ट की दुष्ट आत्माओं को बांध देता हूँ, वचन के द्वारा सामर्थ्य लेकर बांध देता हूँ। पवित्र क्रूस के और प्रभु के पांच घावों और क्रूस के सामर्थ्य से, उसके पुनरुत्थान के सामर्थ्य से, इन तमाम बुराइयों को यीशु के पवित्र सामर्थ्य क्रूस के नीचे बंधने का आदेश देता हूँ। बोले आमेन आमेन। हालेलुया 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 हालेलुया। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, प्रभु से प्रार्थना करें कि वो हमें स्पर्श करें, हमें चंगाई प्रदान करें। आप अनुभव करें, प्रभु को अनुभव करें। वो आपको स्पर्श कर रहा है, वो आपको छू रहा है। उसके छूने से रोगी चंगे होते हैं, उसके छूने से सामर्थ्य आता है। उसने जिसको जिसको छुआ उनके जीवन में शांति आई, उद्धार आई, जिसकी ओर उसने देखा, प्यारे भाई प्यारी बहन, वो आनंदित हो उठा। उसने जकेउस की ओर देखा, उसका जीवन बदल गया। जकेउस ने प्रत्युत्तर में हाँ कहा। आज परमेश्वर से हाँ कहना, प्रभु यीशु से हाँ कहना, और वो आपको उद्धार प्रदान करेगा। आप में से बहुत से लोगों के बंधन टूट रहे हैं,
कोई है जो टीबी के रोग से पीड़ित है, कोई है जो टीबी के रोग से पीड़ित है, चेस्ट के इन्फेक्शन से पीड़ित है, प्रभु का पवित्र लहू आपकी नसों में प्रवाहित हो रहा है। बी हील्ड एंड बी क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु नवजात शिशुओं को वरदान दे रहे हैं, प्रभु नवजात शिशुओं को वरदान दे रहे हैं। इस वक्त जो ऑपरेशन थिएटर में है, हे प्रभु, हम उन पर उनके लिए प्रार्थना करते हैं, उन डॉक्टरों के द्वारा उन्हें स्पर्श कर और चंगाई प्रदान कर। बुजुर्गों को आशीष दे, बच्चों को, नवयुवक युवतियों को आशीष दे। आइए हम प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, मेरी सांसों में, मेरे जीवन में, परिवार में हमेशा तेरा नाम रहे, मेरे होठों पर हमेशा तेरा नाम बना रहे। दिल से हाथों को उठाते हैं, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं, दिल से मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। हे प्रभु, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो, जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया का रखवा आराधना करूं दिल से।
समर्पित करते जाएं, एक एक व्यक्ति अपने आप को, घर के एक एक व्यक्ति को, बच्चों को, बुजुर्गों को, नवजात शिशुओं को, बीमार लोगों को समर्पित करते जाएं। प्रभु का रक्त लेकर इनके ऊपर विलेपन करें, घुटनों पर आ जाएं। ये पवित्र समय है, प्रभु आपको ब्लेस करना चाहता है, आपको आशीष देना चाहता है। आप जहाँ कहीं भी हों, छोटे हों, बड़े हों, बुजुर्ग हों, यदि घुटना टेक सकते हैं तो टेकें, हाथों को उठा सकते हैं तो उठाएं। ये आपके छुटकारे का समय है और आपकी संपूर्ण चंगाई का समय है। चंगा करने वाले, दया करने वाले यीशु राजा, तेरा रक्त लेकर मैं अपने शरीर पर, अपने घर पर, अपने चौकटों बिछौनों पर, अपनी पढ़ने लिखने वाली किताबों पर विलेपन करता हूँ, गाड़ियों पर विलेपन करता हूँ, अपने खेत खलियानों, अपने मालडंगर खेती बाड़ी पर, दफ्तरों पर विलेपन करता हूँ। तेरा लहू बंधनों को तोड़ता है, आजाद करता है, शिफा देता है, शांति स्थापित करता है, छुटकारा देता है। लहू हमें आजाद करता, मैं विश्वास करता हूँ। शैतान के सारे बंधनों को तोड़ देता है, पापों से शुद्ध करता है। प्रभु ये साक्ष्य देने में हमारी सहायता करता है। हे प्रभु, मेरे परिवार के चारों कोनों में रक्षा स्तंभ लग जाए, तेरे पवित्र लहू का बाड़ा तेरे इन बच्चों के घर के चारों ओर लग जाए। हर प्रकार से लड़ाई झगड़े, आपसी मनमुटाव, भाइयों बहनों में झगड़े समाप्त हो जाए। ईर्ष्या लोभ लालच की दुष्ट आत्मा जल के राख हो जाए। हम पर दया करने की कृपा कर। हे प्रभु, इन्हें तेरे प्रेम में चलना सिखा, तेरी अगुवाई में रहना सिखा, वचन के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए इन्हें सामर्थ प्रदान कर। आज की ये संध्या वंदना के दौरान जितने लोगों ने तुझे देखा, अनुभव किया है, ये सदा तुझ में बने रहे। इनके घरों पर प्रभु तेरा पहरा हमेशा बना रहे। मैं तेरा अयोग्य सेवक मूसा के जैसे हाथों को उठाते हुए प्रायश्चित करता हूँ तेरी इस प्रजा के लिए, दुहाई देता हूँ। इन पर दया कर, इनके बच्चों पर, खेत कल्याणों पर, नवजात शिशुओं पर दया कर, जो अपने लिए वर और वधु की तलाश में इनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, जो नौकरी की तलाश में नौकरी मिल जाए, जो संतान की तलाश में है उन्हें संतान का वरदान मिले, जो प्रायश्चित करना चाहते हैं उन्हें प्रायश्चित का वरदान मिले। हे प्रभु, इन पर दया कर, इनकी प्रार्थना को सुन और कबूल कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धार करता यीशु प्रभु के द्वारा। अपने जीवन को, अपने घर को, 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 तेरे पास लाया हूँ, तेरे समर्पण है प्रभु।
सर झुकाएं, आशीर्वाद ग्रहण करें। जोरदार तालियां बजाएंगे प्रभु की सभी आशीषों के लिए। जोरदार 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 तालियां बजाएंगे। झूलिया 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 आ मुझे झूलिया 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 आ मुझे झूलिया 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 आ मुझे झूलिया 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 आ मुझे झूलिया झूलिया। यीशु की बातों ने, यीशु के हाथों ने, यीशु की बातों ने, यीशु के प्यार ने झूलिया, यीशु के प्यार ने झूलिया, यीशु की बातों ने, यीशु के हाथों ने, यीशु के प्यार ने झूलिया, यीशु की बातों ने, यीशु के हाथों ने, यीशु की बातों ने झूलिया प्यार में यीशु के बचनों ने, यीशु के प्यार में यीशु के बचनों ने, यीशु की बातों ने छू लिया, यीशु की बातों ने छू लिया, हम मुझे छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया, हम मुझे छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया छू लिया। प्यार है प्यार है हाँ मुझे प्यार है प्यार है प्यार है, प्यार है प्यार है प्यार है हाँ मुझे प्यार है प्यार प्यार है। वो मेरा प्यार है मेरा ईमान है, 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 वो मेरी जिंदगी सचमुच में आज प्रभु ने आप में से बहुतों को छुआ। जितनों ने रिसीव किया, जितनों ने ग्रहण किया, क्या आपने रिसीव किया? चंगाई को ग्रहण किया आपने? यदि आपने किया है तो आज आप चंगे हो गए हैं और आप गवाही देने के लिए तैयार रहे। प्रभु ने आपको छुआ है और आपको चंगाई प्रदान की है, बहुत से लोगों को विश्वास का वरदान दिया है और आज आपको समझाया है कि हमारा उद्धार इतना सस्ता नहीं है जितना हम में से कुछ लोग सोचते हैं, उसके लिए कीमत अदा की गई है। प्रभु आपको आशीष दे और ये वचन आपके जीवन में सदा कार्य करे। जितने भी लोग आज पहली बार इस स्तुति प्रशंसा में भाग ले रहे थे, वचन सुन रहे थे, रोज़ाना मैं कहता हूँ आप इस लिंक को अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, एक दूसरे के लिए आशीष का कारण बन जाएं और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। साथ ही साथ हमारे लिए, बैंड फॉर जीसस टीम के लिए और हमारी सारी योजनाओं के लिए आप प्रार्थना करें और प्रभु को समर्पित करें, ताकि हम इसी तरह आपके साथ हर संध्या मिलकर प्रभु की आराधना और स्तुति कर सकें। गुड नाइट, गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपको आशीष दें।